thank you हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू करियर्यर्यर्यर्यर्यस एंड पॉइंट मैं सौरभ सारस्वत करंट अफेयर्स के आज के सेशन में वीकली करंट अफेयर्स 11 मई 2020 से 17 मई 2020 तक के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे और हर एक प्रश्न के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा तो वीडियो ध्यान से देखिए और जो ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो वीडियो के नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और साथ में बेलाइकन भी दबाएँ जैसे आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो सबसे पहले प्राप्त हों तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में बताया कि नकदी संकट से जूझ रही बिजली वितरण कंपनियों में कितने करोड़ रुपए की नकदी डालेगी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है नब्बे हजार करोड़ रुपए दोस्तों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अर्थव्यवस्था का चक्र उमाने के लिए बिजली वितरण कंपनियों का संकट दूर करना भी जरूरी है उन्होंने यह भी बताया कि बिजली वितरण कंपनियों की उनकी होने वाली लेनदारी के एवेज में दो समान किस्तों में नकदी उपलब्ध कराई जाएगी इसके साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियाँ पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के जरिए यह राशि उपलब्ध कराई जाएगी नेक्स्ट प्रश्न किस राज्य सरकार ने प्रशिक्षित सेवाओं के लिए रोजगार स्वरोजगार के अवसर पैदा करने और कौशल विकास के अवसरों की पेशकश करने के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया है दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी उत्तराखंड जैसा कि दोस्तों उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सचिवालय में मंत्रिमंडल के साथ होप पोर्टल का लोकार्पण किया इस पोर्टल से उत्तराखंड में रहने वाले उत्तराखंडी तो जुड़ेंगे ही प्रदेश के बाहर रह रहे और काम कर रहे प्रवासी भी कनेक्ट हो सकते हैं राज्य के कुशल अकुशल युवाओं का डेटाबेस बनाने और उसके आधार पर रोजगार स्वरोजगार हेतु अवसर उपलब्ध करवाने के मकसद से यह पोर्टल लॉन्च किया गया है नेक्स्ट प्रश्न हाल ही में किस देश में किए गए एक अध्ययन में चिकित्सकों ने कोविड नाइन्टीन के संपर्क में आने वाले बच्चों में कावासाकी रोग जैसे लक्षणों वाली एक असामान्य बीमारी के फैलने के बारे में जानकारी दी है दोस्तों किस देश में किए गए अध्ययन में चिकित्सकों ने कोविड नाइन्टीन के संपर्क में आने वाले बच्चों में कावासा की रोग जैसे तो किस देश ने इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है इटली ऑप्शन ए उत्तरी इटली की बेरगामो क्षेत्र में चिकित्सकों ने बच्चों में कावासा की रोग जैसे लक्षणों वाली एक असामान्य बीमारी के मामले में तीस गुना वृद्धि देखी है कावासा की एक असामान्य रोग है जो मुख्यतः पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों को प्रभावित करता है यह रोग मरीज के शरीर में हृदय को सबसे गंभीर रूप से प्रभावित करता है नेक्स्ट प्रश्न केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड 19 मरीजों की जांच के लिए हाल ही में कौन सा परीक्षण मशीन राष्ट्र को समर्पित किया दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी कोबास अड़सठ यह पहली ऐसी परीक्षण मशीन है जिसे सरकार ने कोविड 19 मरीजों की जांच के लिए खरीदा है और इसे राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र एन में स्थापित किया कोवास अड़सठ रोबोटिक्स की क्षमता वाली एक परिष्कृत मशीन है जो स्वास्थ्य कर्मियों के संक्रमित होने की आशंका को कम करती है सरकार ने अब प्रतिदिन एक लाख परीक्षण करने की क्षमता विकसित कर ली है एन अब पूर्ण रूप से स्वचालित कोवास अड़सठ परीक्षण मशीन है जो वास्तविक समय में पीसीआर परीक्षण करने में सक्षम है नेक्स्ट प्रश्न वंदे भारत अभियान का दूसरा चरण 16 मई से किस तारीख तक चला दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 22 मई जैसा कि दोस्तों कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के चलने देश से बाहर विदेशों में फंसे भारतीयों को वंदे भारत मिशन के तहत वापस लाया जा रहा है इस मिशन का दूसरा चरण 16 मई से 22 मई तक चला इसके तहत इसके तहत 31 देशों में फंसे भारतीयों को लाया गया इस दौरान लगभग एक उड़ानों का संचालन किया गया नेक्स्ट प्रश्न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई 2020 को रात 8 बजे देश के नाम अपने संबोधन में कोरोना वायरस के कारण उपजे आर्थिक हालात को सुधारने हेतु देश के लिए कितने लाख करोड़ रुपए की घोषणा की दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी यह आर्थिक पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान की अहम कड़ी के तौर पर काम करेगा बीस लाख करोड़ रुपए का यह पैकेज भारत की जीडीपी का करीब 10 फीसदी हिस्सा है इसके जरिए देश के विभिन्न वर्गों और आर्थिक कड़ियों को जोड़ने में बल मिलेगा 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा के बाद भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो गया है जिसने जी का बड़ा हिस्सा दिया नेक्स्ट प्रश्न हाल ही में किस देश ने फिडे चेस डॉट कॉम ऑनलाइन नेशन का खिताब अपने नाम किया दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है चीन ऑप्शन बी दोस्तों चीन ने कोरोना वायरस के कारण दुनिया भर में लगे लॉकडाउन के बीच पहली बार आयोजित ऑनलाइन नेशन कप शतरंज खिताब जीत लिया छह टीमों के बीच भारत को पांचवा स्थान मिला चीन ने राउंड रोबिन टीम में शानदार प्रदर्शन किया और फिर सुपर फाइनल में अमेरिका से दो दो से ड्रोखेला अमेरिका को दूसरा यूरोप को तीसरा रूस को चौथा और भारत को पांचवा और शेष विश्व टीम को छठा स्थान मिला नेक्स्ट प्रश्न केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में किसानों को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपनी फसल की उपज बेचने की सुविधा प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय कृषि बाजार ई e के साथ कितने नई मंडियों का एकीकरण किया दोस्तों तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी एक सौ सतहत्तर एकीकृत की नई मंडियां गुजरात हरियाणा जम्मू कश्मीर केरल महाराष्ट्र ओडिशा पंजाब राजस्थान तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल एक अतिरिक्त मंडियों के शुभारंभ के साथ देश भर में ई एन ए एम मंडियों की कुल संख्या नौ है इससे पहले सात सौ पिचासी मंडियों को सत्रह राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों में ई एन एम के साथ एकीकृत किया गया था राष्ट्रीय कृषि बाजार ई एम भारत सरकार की एक अत्यंत महत्वाकांक्षी और सफल योजना है नेक्स्ट प्रश्न मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कारखानों में काम की अवधि आठ घंटे से बढ़ाकर कितने घंटे कर दिया है दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी बारह घंटे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कई कदम ऐसे उठाए जिससे लॉकडाउन के दौरान व्यवसाय पुनः पटरी पर आ जाए उन्होंने प्रदेश में सभी कारखानों में कार्य करने वाले सभी कर्मचारियों के आठ घंटे से बढ़ाकर बारह घंटे कर, कर दिए उन्होंने प्रदेश के औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ाकर रोजगार के अवसरों में वृद्धि नए निर्देश जारी कर दिए हरिशंकर वासुदेवन यूरोपीय और रूसी इतिहासकार और भारत रूस संबंधों के विशेषज्ञ थे नेक्स्ट प्रश्न विशाखापट्टनम में एलजी पॉलीमर इंडिया लिमिटेड से स्टैलिन गैस के रिसाव की जांच करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा गठित पांच सदस्यीय उच्चाधिकार समिति के प्रमुख का नाम बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए नीरव कुमार प्रसाद नेक्स्ट प्रश्न किस कंपनी के केन्या स्थित केनन केमिकल्स लिमिटेड की शेष पच्चीस परसेंट हिस्सेदारी का अधिग्रहण कर लिया है दोस्तों गोदरेज ईस्ट अफ्रीका होल्डिंग्स लिमिटेड एफ एम सी जी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स फार्म गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड की एक सहायक कंपनी ने अघोषित राशि के लिए केन्या स्थित केनन केमिकल्स लिमिटेड में 25% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया नेक्स्ट प्रश्न डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम की लागत क्या है जिसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए अनुमोदित किया था इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है 400 करोड़ रुपए ऑप्शन 4 केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा क्षेत्र के लिए परीक्षण बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए और घरेलू रक्षा और एयरोस्पेस विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए 400 करोड़ रुपए की लागत के साथ रक्षा परीक्षण अवसंरचना योजना डी के शुभारंभ को मंजूरी दी नेक्स्ट प्रश्न 103 में लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी एम के चतुर्थ श्रेणी के पोत इन एल सी यू एल फिफ्टी सेवन को हाल ही में पोर्ट ब्लेयर में भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया था उस कंपनी का नाम बताइए जिसने इन एल सी यू एल फिफ्टी सेवन का निर्माण किया था दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन फोर गार्डन रीच सिफ बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड लेफ्टिनेंट जनरल पी एस राजेश्वर पी बी एस एम ए बी एस एम बी एस एम ए डी सी अंडमान और निकोबार कमान के कमांडिंग इन चीफ ने एक सौ तीनवे लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी एम के श्रेणी के जहाज इन एल सी यू एल फिफ्टी सेवन नेक्स्ट प्रश्न सी एस आई आर ने महामारी विज्ञान को समझने के लिए इंटेल इंडिया और किस आई आई टी के साथ मिलकर एक तेज और लागत कुशल कोविड नाइन्टीन नैदानिक समाधान विकसित किया है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन फोर आईआईटी हैदराबाद नेक्स्ट प्रश्न किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने मधुमेह रोगियों के लिए इंसुलिन वितरण को आसान बनाने के लिए बायो कैंपिटिव एडिटिव्स और एक इंजेक्शन एस एफ हाइड्रोजेल का उपयोग करके तैयार किए गए सिल्क फाइब्रोइन को विकसित किया है तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च की रिसर्च टीम ने प्रोफेसर टी गोविंद राजू के नेतृत्व में सिल्क फाइब्रोइन का विकास किया नेक्स्ट प्रश्न सी एस आई आर के किस संस्थान में शोधकर्ता ने हल्क कार्बन फोम विकसित किए हैं जो सीसा बैटरी को बदल सकते हैं दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन फोर उन्नत सामग्री और प्रक्रिया अनुसंधान संस्थान काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च उन्नत सामग्री और प्रक्रिया अनुसंधान संस्थान के डॉक्टर राजीव कुमार जिन्होंने इंस्पायर फैकल्टी अवार्ड प्राप्त किया उन्होंने 0.3 परसेंट सी से कम के घनत्व के साथ एक झटझरा हल्का कार्बन फोन विकसित किया है नेक्स्ट प्रश्न हैदराबाद विश्वविद्यालय है और सी एस आई आर सेंटर फॉर सेलुलर एंड मोलिकुलर बायोलॉजी ने कोविड नाइन्टीन महामारी के लिए तत्काल उपचार के लिए एंटीबॉडी आधारित इम्यूलोथेरेपी विकसित करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी भी की इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड विंस बायो प्रोडक्ट्स लिमिटेड नेक्स्ट प्रश्न सी एस आई आर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी ने किस आईआईटी के साथ मिलकर परकिसंस रोग को समझने के लिए उपाय किया है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन टू आईआईटी धनबाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद के वैज्ञानिकों और औद्योगिक अनुसंधान परिषद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी के वैज्ञानिकों ने मिलकर पार्किसंस की बीमारी को समझने के लिए एक समाधान निकाला जो कि एक डिजेनेरेटिव रोग है जिसका कोई इलाज नहीं है नेक्स्ट प्रश्न केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने कोरोना अध्ययन के तहत साइको सोशल इम्पैक्ट ऑफ महामारी और लॉकडाउन और हाउ टू कॉफ बेद पर सेवन खिताब लॉन्च किए हैं वर्तमान मानव संसाधन मंत्री कौन हैं? दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन फोर रमेश पोखरियाल निशंक केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ई लॉन्च के साथ सात उपाधियों के सेट के ई संस्करण साइको सोशल इम्पैक्ट ऑफ महामारी और लॉकडाउन और हाउ टू कॉप वेद को कोरोना अध्ययन श्रृंखला के तहत प्रकाशित किया ये पुस्तकें बड़े पैमाने पर लोगों की मानसिक भलाई के लिए मार्गदर्शक का काम करेंगी दोस्तों आज के सेशन में बस इतना ही वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीक के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ तब तक के लिए धन्यवाद